So firstly, good to see you. Tell us something about this interview is all about Aura and about your future plans, about New Year, Christmas. There are so many things to talk about this interview. But let's talk about Aura. Tell us something, when Aura decided to go into that house and did he speak to you about the, like, he's going to this house. Tell us something about the conversation about सी फर्स्टली तो नहीं एक्चुअली मैं पहले बता दूँ दैट यू नो इनिशियली देर वॉज लाइक इट वॉज ही वॉज वेरी स्केप्टिकल क्योंकि ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है एंड द होल कम्युनिकेशन बिट वॉज अ बिग चैलेंज बट वेन दिस अपॉर्चुनिटी केम थ्रू एंड ही रियलाइज की ज़रूरत नहीं है लाइक दे सेड दैट इट्स ओके इफ ही डजंट नो हिंदी एंड इंग्लिश एंड ही कैन बी अ पार्ट ऑफ इट इट वॉज सच अ बिग प्लेटफॉर्म दैट इवन आई एनकरेज हिम एंड इन फैक्ट पुश्ड हिम कि यू शुड यू मस्ट डू इट बिकॉज देर इज़ अ काइंड ऑफ रीच जो टेलीविजन के पास है जो यू नो फिल्म्स लाइक बिग बैनर फिल्म्स एंड टेलीविजन के पास ही है दैट इज़ ह्यूज लाइक द ऑडियंस इज़ ह्यूज एंड टू यू नो कम फ्रॉम अनदर कंट्री एंड टू मेक इट सो बिग इन इंडिया इज़ ग्रेट एंड ऑल्सो द पर्सन हु इज़ मैनेजिंग हिम रचना पुरी शी इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड एंड शी हैज़ पुट इन हर हार्ट एंड सोल इन लाइक यू नो टू बिलीव अ टैलेंट एंड टू इन्वेस्ट इन हिम ये इंडस्ट्री में आई हैव बेरली सीन पीपल do that for other people like even star makers like you know okay first break aapko khud hi karna padta hai but in this case it's been the opposite so yes. yeah kya aapki baat hui thi ki wild card ka ek meet hota hai jo OTT pe khatam ho chuka hai kabhi jeetta nahi hua elvis ne khatam kiya but ab tak big boss ke itihas mein ab tak wild card kabhi jeeta nahi hai so ye meet aapke mann mein aapne bola unse ki ye hai aisa See, go for the next season first day. I feel ki I agree. Wild card jeetna is very very rare. It's very difficult, but I still feel that he will make it till the finale. That's what my hope is because you know of course ही बात है. It's not fair also because लोग जो वहाँ पर हैं बहुत time से they are you know they have struggled a lot more and a wild card like जो एलवेश के साथ हुआ वो crazy था like you know it was again you know. सोशल मीडिया का एक अलग ऑडियंस है टेलीविजन का एक अलग ऑडियंस है सो आई फील द वे ही इज़ गोइंग इज़ रियली रियली गुड सो ही कैन एक्चुअली जस्ट कंटिन्यू लाइक दिस क्रिएट फन कॉन्टेंट एंड हैव फन एंड इवन सलमान हैज़ हैड रियली गुड इंटरेक्शन विद हिम तो इवन इफ ही रीचेस टिल द फिनाले आई थिंक ही विल बी द विनर फॉर मी क्या लगता है क्या खास बात है उनकी जर्नी में अगर अब तक कोई तीन पॉइंट्स आप शेयर करना चाहोगे कि ये तीन पॉइंट्स है सी पहली बात तो आई फील यू नो टू अक्लेमेटाइज बोलते हैं ना टू अनदर सेटअप द वे ही इज स्मूथली एंटर्ड एंड वो घुल मिल गया है वही बहुत बड़ी बात है बिकॉज अच्छे अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है जिनको लैंग्वेज आता है जिनको लड़ना आता है बट आई थिंक दैट्स वर्कड इन हिज फेवर लाइक ही हैड सेड इन हिज इंटरव्यू ऑल्सो पहले कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मुझे नहीं आता सो दैट इज़ बिन वेरी गुड प्लस हिज यू नो हिज फन एलिमेंट्स लाइक आई रिमेंबर सींग दिस रील एंड हंस हंस के हम पागल हो गए थे वेर यू नो मुनव्वर इज लिटरली टेकिंग हिज समथिंग बॉट ऑन हिज हेड एंड वॉकिंग आउट सो वो जो वो एक नेचुरल कॉमेडी जो वो लेकर आया है इस पूरे शो में हैज़ बीन ग्रेट प्लस हिज फैशन सेंस लाइक यू नो अतरंगी कपड़े पहनना जो हमारे स्टाइल से बहुत अलग है यूनिक है सो आई थिंक दीज थ्री पॉइंट्स आर लाइक यू नो अमेजिंग हाँ तेलका के बाद थोड़े अरुण जी वो हो गए थे कि धीमे धीमे हो गए थे बट एक अब एक अच्छा दोस्त नजर आया उनपे आप अगर उनकी दोस्ती के बारे में कुछ अगर बताना चाहें सी पहली बात तो मैं बताऊं दैट ही इज अ वेरी नाइस पर्सन एट हार्ट जो समझ आ जाता है लाइक इफ यू मीट हिम भले आपको लैंग्वेज नहीं आती हो बट यू फील अ सेंस ऑफ कम्फर्ट कि आप तीन बार बोल के भी उसको समझाना चाहोगे आप इरिटेट नहीं हो जाओगे इंसान से तो आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ बॉन्ड और वो जो दोनों इतने कॉन्ट्रास्ट है ना एक दूसरे के लाइक वन क्रास वन आई वुड नॉट से ही इज़ लाइक द दैट एलिमेंट ऑफ कोरिया एंड ही इज दिस लाइक यू नो वेरी देसी एलिमेंट ऑफ इंडिया मीट्स अ देसी एलिमेंट ऑफ कोरिया लाइक अ कोरियन देसी और अ कोरियन दिस थिंग सो इट्स लाइक दैट लाइक हाँ अब एक या दो दिन पहले अरुण जी ने पूछा था अबाउट योर मैरिज फैमिली फैमिली करके उन्होंने कुछ कहा था जी आप अगर कुछ बताना चाहोगे उनके मैरिज के बारे में या फिर उनकी फैमिली के एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में अगर कुछ बताना सी मुझे ये बताया है दैट ही हैज एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ फ्यू फ्रेंड्स जिनको वो फैमिली से भी ज़्यादा मानते हैं और अप्रिशिएट करते हैं एंड दे हैव अ बॉन्ड दे हैव लाइक अ बैंड टुगेदर
So I think that is his family, plus his sister is also going to be coming down very soon. So he is close to his family, and it's like हमारा culture Korean culture से बहुत अलग है. But yeah, the basic value system somewhere down the line, I think that is kind of same. कौन ऐसा लग रहा है कि सदस्य जो अब तक उनको accept नहीं किया? I feel ऐसा कोई भी नहीं है जिसने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज आप सीजन देखोगे लाइक स्पेशली दिस शो अ लॉट ऑन द लाइव, दे डोंट शो सो मच ऑन टेलीविजन, बट आई डोंट थिंक दैट्स व्हाट आई फील कि ही विल गो टू द फिनाले, बिकॉज कोई नॉमिनेट ही नहीं करेगा क्योंकि किसी की लड़ाई नहीं है उनसे. तो आराम से यू नो ही इज, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट ही इज हैप्पी. सो या सबसे अच्छी जोड़ी किसकी लगती है आपको, अगर कुछ कोई ऐसे, देयर आर सो मेनी थिंग्स, लाइक मैं एक एक करके आपसे सवाल पूछूंगा. मनारा एंड मुनावर की जोड़ी कैसी लगती है? देखो मनारा तो आई थिंक ओरा के साथ ही परफेक्ट है, उसको वो वाली जोड़ी मुझे बेटर लगती है, बिकॉज आई डोंट नो, आई जस्ट फील दैट दे काइंड ऑफ कैन क्लिक, एंड द वे शी लुक्स एट हिम इज़ वेरी क्यूट. एंड मैं ये भी बताना चाहूँगी लाइक नील और ऐश्वर्या की जोड़ी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है पर्सनली. अंकिता एंड यू नो वॉट इज़, हाँ अंकिता एंड विक्की की जो जोड़ी है वो फिर भी इज़ वेरी नॉर्मल, लाइक ऐसा होता है, एंड इट्स अ वेरी रियल काइंड ऑफ केमिस्ट्री दैट यू फील, नॉट दैट यू नो इट्स अ पर्सनल चॉइस, लाइक आई कैन नॉट रिलेट टू अ रिलेशनशिप लाइक बोलते हैं ना ऐश्वर्या एंड नील, मैं नहीं कर सकती रिलेट, बिकॉज दैट काइंड ऑफ अग्रेशन एंड दैट काइंड ऑफ कामनेस, इट्स टू कॉन्ट्रास्ट टू यू नो सी, लाइक ऑल्सो इट फील्स अनकम्फर्टेबल. Like you feel that one person is being way more disrespected and the other person is just, you know, just going on and not realizing, and there has to be a balance. So I feel Big Boss is a show which has, it's a, the person who has the maximum emotional ups and downs is the person who wins usually. Right. So in that aspect, I feel Ankita has shown all sides of her. So yeah. Last eviction ke agar main baat karu Khandzadi ke, unhone press se baat karte hue ek वाक्य कहा था कि मनारा अपने दोस्तों को लेके काफी इनसिक्योर रहती है जी. वो मुनावर को लेके भी इनसिक्योर रहती है. आपने अभी कहा कि औरा और मनारा की दोस्ती होगी, क्या लगता है आपको औरा मनारा औरा को लेके भी इनसिक्योर रहती है, और क्या आपको लगता है कि वो दोस्तों को लेके इनसिक्योर होती है? वो है, उसमें है थोड़ा सा, यू कैन सी दैट कॉम्प्लेक्स इज देयर, दैट चाइल्डिशनेस इज स्टिल देयर, बल्कि आई डोंट थिंक शी इज अ चाइल्ड एनीमोर, बट उसमें वो है इमेच्योरिटी आई वुड से, वेयर यू नो ये मेरा फ्रेंड है, ये यू नो आई वांट टू स्टिक टू दिस पर्सन, सो वो एक वाइब उसने दी है टाइम एंड अगेन, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द सेम, बिकॉज वो टेम्परमेंट ओवरनाइट तो चेंज नहीं हो जाएगा. क्या लगता है अभी उस घर में कौन ऐसे सदस्य, दो ऐसे सदस्य का नाम लीजिए जो डिजर्विंग नहीं करते अभी रहना, कि उनके बदले कोई और डिजर्विंग, जैसे खानदादी हो, तेलका हो, जिग्ना जी हो, बहुत सारे बड़े बड़े नाम इविक्ट हुए, और सीजन से थोड़ा ठंडा सीजन रहा है ये, तो इस हिसाब से जो एविक्शंस हुए हैं दे आर फाइन. इन फैक्ट आई फील वन पर्सन आई रियली लव ऑन द शो इज दैट चिंटू, ईशा का बॉयफ्रेंड, ही इज ऑल्सो लाइक द कॉमेडी एलिमेंट ऑफ द शो समार्ट. See, exactly, that's what I'm saying, that when you start knowing their pet names and you don't know their real names, it's amazing because aapko pata hai ki wo acha kar rahe hai. So, you know, they have this amazing jodi, Isha and Samarth. Samarth, right? Samarth, yeah. So, yeah, I think waise type ke na, like, permutation combination chalta hai. Like, they are the real fun couple. What about, like, if Big Boss calls you this? This season is over. No, for supporting Aura, there are seem like family members come, या फिर friends आते हैं. So आप अगर घर के अंदर जाते हो, तो मैं तीन सदस्य या चार सदस्य का नाम लूँगा, उनको जाके क्या एक मैसेज देना चाहोगे? आपको हमारे ऑडियंस के थ्रू से देना पड़ेगा. सबसे पहला अगर Aura से मिलते हो बिग बॉस के घर के अंदर, तो क्या मैसेज होगा उनके लिए? भाई पहले तो मैसेज है कि ही इज़ डूइंग फैब, बिकॉज आई वुड रियली रियली वॉन्ट टू बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस, बिकॉज मे बी फ्यू वीक्स लेटर ही माइट फील कि यू नो क्या हो रहा है, बट ही नीड्स टू यू नो जस्ट कीप अप हिज कॉन्फिडेंस एंड जस्ट बी द वे ही इज़. वो ही पसंद आ रहा है आई थिंक लोगों को लाइव में भी और शो में भी, क्योंकि वो इतना रियल है, तो उसके लिए तो कुछ भी टिप्स देने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आई थिंक ही इज़ जस्ट बींग हिम एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. ऑल द बेस्ट.
अभिषेक को भाई यू नीड थेरेपी. थेरेपी कमरा है बट ही नीड्स थेरेपी. लाइक आई जस्ट फील कि उसको बहुत चैनलाइज करने की जरूरत है अपने इमोशंस को. ही हैज वेरी बोलते ना डिस्टॉर्टेड वे ऑफ थिंकिंग. सो थोड़ा सा देर इज नथिंग नेगेटिव. लाइक इवन आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज. लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू इट एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन. लाइक आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल टू सीक हेल्प वे यू फील दैट यू नॉट एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस समवेयर. दो इज डूइंग बेटर देन वॉट ही वॉज बट स्टिल ही इज वे टू सेंसिटिव फॉर द शो. इतना सेंसिटिव होके इस दुनिया में गुजारा नहीं है भाई. नील आई डोंट वांट टू से इट बट लाइक यू नो नील यू कैन डू बेटर फॉर योरसेल्फ. मुनव्वर भाई थोड़ा सा आई थिंक ही नीड्स टू कम मोर इन एक्शन. लाइक वो ना कहीं अपना ओपिनियन रखने में हमेशा झिझा जाते हैं. लाइक द वे ही हैंडल द लास्ट वीक का पूरा एपिसोड आई फील ही कुड हैव डन बेटर. मतलब उसने सही किया बट वो फोर्सफुली बिग बॉस ने जब स्क्रीन पे दिखा दिया तब उसने जाकर अंकिता को कन्फ्रंट किया. बट ही ट्राइज टू प्ले स्मार्ट बट ही इज नॉट द स्मार्ट. लाइक ही इज जस्ट हिम. ही इज अ नाइस गाय. तो आई वुड टेल हिम कि थोड़ा सा यू नो विक्की का दिमाग उधार ले. क्विकली पिक योर 3, 2, 1 व्हाई विनर व्हाई सेकंड व्हाई थर्ड. आई वुड से फर्स्ट अंकिता विनर. Yeah, for sure. And the second for me would be, I think, Samar, like Chintu. Okay. I think he's just added a lot of element. Wildcard mein aaya tha aur usne kamaal kar diya. So that is what he's deserving. Like he's made a name for himself. Talk to your friend. Huh? Talk to aapke friend nahi hai. You are supporting him, yeah. I'm supporting him. Chalo, theek hai, top two. Nee, I would about to say third, maybe, you know, Ura. Because again, the same reason would be ki, you know, Wildcard mein aakar, आपने इतने दिल जीत लिए. सो इट्स लाइक 1, 2, 3. सो 3 वेरी डिस्टिंक्ट पीपल. लाइक जो एक होता है ना रेगुलर में से अंकिता इज शाइनिंग एज ऑफ नाउ. अंकिता ईशा इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल आई वुड से. सेकेंड उसमें मैं कहूँगी अगर सबसे जो मुझे लगता है जो थोड़े हटके थे और जिन्होंने एलिमेंट डाला है वो है समार्थ एंड चिंटू फॉर श्योर. सो या दिस सोशल मीडिया दो नाम काफी चर्चे में और अब दोनों आई एम वेरी सरप्राइज दैट यू हैव नॉट टेकन दोस टू नेम्स इन योर टॉप 3. The one is Munawar and the second one is Vicky Jain. Why do you believe these two can be on the top 3? See, I feel top 3 mein bahut high chances hain Munawar ke aane ke because of his following. Like we have seen an OTT platform also. Jab aap television aur social media ko merge kar dete ho to somewhere down the line wo TV walon pe thoda bhari pad jata hai. So there is a very high chance that Munawar might actually be, like, if you ask me honestly ki kaun hoga top 5 mein, toh I can give you the names also, like, I feel. Yes. Jo hone chahiye. Usme se ek Munawar hai. Quickly, who do you believe won't be in the top 5? Who will not be? If you want to pick 1, 2, I feel वही 5 मेरे लिए top 5 contestants जो हैं वो हैं अंकिता, मुनव्वर, विक्की, समर्थ, ईशा, ओरा. ये लोग हैं जो आपको एंड तक दिखेंगे फिनाले में. नील ऐश्वर्या तो नॉट एट ऑल. ईशा इज देयर. ईशा इज देयर. ईशा ईशा इज देयर. अभिषेक इज नॉट देयर. समर्थ इज देयर. समर्थ इज देयर. समर्थ ईशा एज अ कपल इज देयर इन द फिनाले. आई फील विक्की अंकिता एंड विक्की विल बी देयर एज अ कपल इन द फाइनल. वो बोलते हैं ना 6-7 लोग बच जाते हैं फिर एक एक करके विक्ट होते हैं. दे विल बी देयर. And then Munawar is gonna be there and Ura might be there for, you know, the closing of the episode. But uske alawa. Lastly, Christmas is coming, New Year is coming. What's your plan for that? And anything coming up from your side, 2024, how you're looking forward? So I'm traveling this New Year, so I'm very excited. So that is why I might not be able to go or support in that manner. But I'm very happy. I'm really looking forward to this New Year. And get back to work in a big way. So yes, that work is my projection for this year. Thank you so much. Happy New Year and Merry Christmas.